नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम सीवी में आपका स्वागत है और सुबह सवेरे हम आपके साथ रूबरू हैं और राजधानी शिमला से आप सीधा लाइव तस्वीरें देख रहे हैं मौसम की। आप देख रहे हैं कि राजधानी शिमला में इस समय मौसम का मिजाज किस तरह का बना हुआ है। चारों तरफ धुंध के आगोश में पहाड़ों की रानी शिमला और यहाँ पर सुबह सवेरे ही यहाँ पर अंधेरा सा राजधानी शिमला में छाया हुआ, जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कुछ देर पहले, और वो अब धुंध के आगोश में चारों ओर जिस तरह से देख सकते हैं आप धुंध ही धुंध इस समय राजधानी शिमला में छाई हुई है। और मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए सोलन में भी यही हाल है। सुरेश भाटिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गगन गुमराह जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी दर्शक इस समय हमारे साथ मौसम की लाइव स्ट्रीम में जुड़ चुके हैं। मैं चारों ओर की राजधानी की तस्वीर दिखाऊंगा, आप खुद उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय राजधानी शिमला में मौसम कैसा है। सुरेश भाटिया जी, रात का मौसम बिल्कुल, अभी आपको मैं राजधानी शिमला की ऐतिहासिक रिज मैदान की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि ऐतिहासिक रिज मैदान में इस समय अंधेरा अंधेरा सा धुंध के आगोश में पहाड़ की रानी शिमला। कुफरी में भी ऐसा ही है, पंकज ठाकुर जी, सुरेश भाटिया जी, तो काफ़ी दर्शक इस समय हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं और जिस तरह से मौसम का अपडेट आप भी हमारे साथ साझा करते हैं अपने क्षेत्र के मौसम का मिजाज, तो इस लाइव स्ट्रीम को दिखाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कुछ ही पलों में पूरे प्रदेश भर में मौसम का मिजाज कैसा है सभी तक ये जानकारी उपलब्ध हो सके। तो राजधानी शिमला की जो तस्वीरें हैं यहाँ के मौसम का सूरत हाल स्वयं बयां कर रही है। रूप सिंह कंवर जी, हैवी रेन इन कसौली, स्कूल टाइम, बिल्कुल जी, इस समय बच्चों का स्कूल का समय है और इस समय बारिश। देवेंद्र ठाकुर जी, मौसम अपडेट, बिल्कुल। और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है और आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि प्रदेश के इस समय किन जिलों में किन क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। जिस तरह से कसौली में कहा जितेंद्र शर्मा जी, कंडा घाट में भी यही हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि इस समय चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है पहाड़ों की रानी शिमला धुंध के आगोश में। और विजिबिलिटी की बात की जाए, विजिबिलिटी काफी कम। और भी जो दर्शक हैं हमारे साथ अपने क्षेत्र के मौसम का मिजाज साझा कर सकते हैं कि किन क्षेत्रों में इस समय बारिश हो रही है। और आप देख सकते हैं कि इस समय धीरे धीरे यहाँ पर धुंध बढ़ती हुई
पहाड़ों की रानी शिमला को अपने आगोश में लेती हुई। गुड मॉर्निंग हनी एप्पल्स लोगड़ा सोलन कपूर सिंह जी, कपूर सिंह चौहान जी, अभी बारिश और तूफान चला है नैना देवी में, बहुत बहुत शुक्रिया। रोडू में साफ़ है मौसम। अंकुश जिल्टा जी, दीपक ठाकुर जी, कशोक में भी वेदर ख़राब है। माया शर्मा जी, गुड मॉर्निंग टू यू। तो इस तरह से आप भी अपडेट दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है और कहाँ कहाँ मौसम ख़राब बना हुआ है। आप देख सकते हैं जिस तरह तस्वीरें बयां कर रही है कि दिन में ही अंधेरा सा छाया हुआ है, चारों ओर अगर नज़र दौड़ाए अंधेरा ही अंधेरा। जशनदीप बैंस जी नालागढ़ में, माया शर्मा जी गुड मॉर्निंग। इंद्र काफरी जी गुड मॉर्निंग टू यू। मंजूर भट्ट जी गुड मॉर्निंग। अब मैं थोड़ा बाहर की ओर निकलूंगा और आपको वहां से तस्वीर दिखाऊंगा कि इस समय चारों ओर अगर रेज मैदान से नज़र दौड़ाई जाए तो क्या यहां पर मौसम का सूरत हाल है, विजिबिलिटी किस तरह की है। पूजा नेगी जी गुड मॉर्निंग टू यू। आशा ठाकर जी गुड मॉर्निंग। सुनीता कुमारी जी धर्मपुर में बारिश है। मोनू सैनी जी गुड मॉर्निंग टू यू। और आप यहाँ देखते हैं कि जो वाहन भी है उनकी भी लाइटें जली हुई हैं और अभी सुबह का समय है। भागचंद जी गुड मॉर्निंग टू यू। अजय कपूर जी राजगढ़ में भी यही हाल है। भागचंद जी मनाली में सिर्फ बादल छाए हुए हैं। प्रधान मोहिंदर जी गुड मॉर्निंग टू यू। एके केसवान जी नमस्कार। राजेश जगटा जी गुड मॉर्निंग सर, क्या नज़ारा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में विजिबिलिटी काफ़ी कम। रंजीत सिरमौर जी गुड मॉर्निंग टू यू। आंखों से ओझल होती हुई तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं। अनिल डोगरा जी, दिनेश जाटा जी गुड मॉर्निंग टू यू। धीरज कुमार जी सरकार घाट में भी ख़राब है, बहुत बहुत शुक्रिया। बी एल शर्मा जी शुभ प्रभात, रामपुर बुशहर में ठंड है, यहाँ पे भी सर्द हवाएं चल रही हैं। रंजीत शर्मा जी राजगढ़ में भी तूफान में हल्की हल्की बारिश। ये मौसम विज्ञान केंद्र ने जिस तरह से जानकारी साझा की है तो आज के लिए कुछ ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहीं बात की जाए अन्य ज़िलों में येलो अलर्ट। राजेंद्र सिंह कोहली जी गुड मॉर्निंग टू यू। रमेश ठाकुर जी जय माता दी। यश शर्मा जी गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों ओर धुंधी धुंध छाई हुई है और विजिबिलिटी बहुत ही कम है। यश शर्मा जी गुड मॉर्निंग। और विजिबिलिटी अब ना के बराबर, जिस तरह से आप खुद तस्वीर में अंदाज़ा लगा सकते हैं। जगदेव सिंह जी गुड मॉर्निंग।
शिशुपाल जी, गुड मॉर्निंग टू यू। नदौन में भी ठंड बड़ी है। धीमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। निशा शर्मा जी, गुड मॉर्निंग टू यू। के आर शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बहुत सर्द हवाएं इस समय राजधानी शिमला में चलना शुरू हो गई हैं। तस्वीरों से भी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर विजिबिलिटी ना के बराबर तेज़ हवाएं इस समय राजधानी शिमला में चल रही हैं। के आर शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। ऋतिक चौहान जी, गुड मॉर्निंग टू यू। और मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं। पेड़ों की बात की जाए तो आप देखिए, दिनेश जी हेलो जी, क्या हाल हैं? गुड मॉर्निंग टू यू। आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज कैसा है? सुभाष ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। धर्मदेव जी, गुड मॉर्निंग। अशोक कुमार जी, सिरमौर में भी मौसम ख़राब है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। पुष्पलता जी, गुड मॉर्निंग टू यू। ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो लाइट्स हैं बहुत ही धुंधली यहाँ पर तस्वीरों में दिखा दिया गई हैं। दिनेश गोयल जी, ख़राब है सर जी। नवीन ठाकुर जी, विकास नगर में भी यही है। बिल्कुल जी, विकास नगर शिमला में ये हालत है। विकास नगर में भी यही हाल होगा। परशुराम जी, सुंदरनगर में मौसम ख़राब है। मंडी सुंदरनगर में भी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी, गुड मॉर्निंग टू यू। सुमिता चौहान जी, गुड मॉर्निंग टू यू। और पंचकुला की आपने जानकारी दी, पंचकुला में भी मौसम ख़राब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, इस लाइव स्ट्रीम में हमें प्रदेश के साथ साथ अन्य जो राज्य हैं उनकी भी जानकारी मिल रही है कि अन्य राज्य में मौसम कैसा है। ये देखिए, वाहन यहाँ से गुजर रहा है और उसकी लाइटें, दिन में ही यहाँ पर लाइटें जलानी पड़ रही हैं। मौसम काफ़ी ख़राब, कुपी में भी मौसम ख़राब है। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश, सुरेंद्र मोहन जी, सिरमौर में भी तेज़ हवाओं के बाद तेज़ भारी बारिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। चमेल सिंह जी, चंबा में भी मौसम ख़राब है। हमीरपुर में भी मौसम ख़राब है। निशा शर्मा जी, कोटगढ़ में भी मौसम ख़राब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ दीपक जसवी जी, जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आप जानकारी साझा कर रहे हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, जो मैं बार बार दोहराता हूं कि इस लाइव स्ट्रीम का, जो मौसम के अपडेट का एक ही उद्देश्य है कि कुछ ही पलों में प्रदेश के मौसम की जानकारी सभी तक उपलब्ध हो सके और आपके बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से वो सार्थक होता है। रामपाल ठाकुर जी, बिलासपुर में भी बारिश लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजपूत जी, कांगड़ा में भी वेदर ख़राब है। बहुत शुक्रिया। हमीरपुर में तूफान। मिठू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दर्शकों, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। और राजधानी शिमला की तस्वीरें खुद यहां की मौसम बयां कर रही है। मिसिंग द प्लेस गोल्डन डेज, सुमिता चौहान जी, तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से अपने उन सुनहरे दिनों को याद कर सकती हैं। राम रतन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश के शानू जी कुल्लू में भी बहुत छाए हुए हैं। तो जिस तरह से मैं कह रहा था कि प्रदेश के कुछ ज़िलों में अंधड़ आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, वहीं प्रदेश के कुछ ज़िलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो अभी तक इस राजधानी अपडेट, अभी तक इस मौसम की अपडेट में, माफ़ कीजिएगा, मौसम अपडेट में इतना ही। फिर हम ताज़ा अपडेट के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। जिस तरह से मौसम में जो भी बदलाव होगा, यह राजधानी की अन्य खबरों के लिए आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।